क्या हाल है भाई? वेलकम टू मलेशिया यार। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ मलेशिया एयरपोर्ट पे, कुआलालंपुर। ठीक है, तो इस एयरपोर्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि टूर कैसे आप इमिग्रेशन वो क्लियर कर सकते हो, कैसे कैसे आपको जाना है। ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशंस। तो आइए। हाँ तो यार, अभी मैं अपनी फ्लाइट से डिपोर्ट होके अभी आया हूँ, तो फर्स्ट फ्लोर पर आया हूँ। ठीक है, उसके बाद सीधा इमिग्रेशन है। ठीक है, ये जो वे है सीधी, ये इमिग्रेशन वाली है। तो यहाँ पे हमें इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम एग्जिट होंगे। ठीक है, और बड़ा अच्छा है यार एयरपोर्ट, मुझे तो दिल्ली वाला एयरपोर्ट याद आ गया ये देख के, क्योंकि वो एकदम क्लीन, नीट एंड सेफ, बिल्कुल बढ़िया लगा मुझे यार। ठीक है, बाकी आपको उधर का व्यू दिखाता हूँ। पीछे लाइट्स खड़ी हैं बहुत सारी एयर एशिया की, ये देख। ये वाली जो बे है सीधी इमिग्रेशन पे जा रही है, तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि होता क्या है। Minta maaf ya, sistem letak bagasi sendiri disediakan di kaunter SGP dan W. लंबी है और वेटिंग चल रही है तगड़ी, वेट ही कर रहे हैं बस, वेटिंग। हाँ तो फ्रेंड्स, फाइनली इमिग्रेशन क्लियर हो गया है। ठीक है, इमिग्रेशन में मुझसे क्या क्या सवाल पूछे मैं आपको बता रहा हूँ अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूछा कि आप व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी डेज यू आर स्टेइंग हियर, तो मतलब कितने दिनों के लिए आप यहाँ रह रहे हो, रहने के लिए आए हो। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे चार दिन जो भी है आपका, वो आप बता सकते हो, वो कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पास होटल बुक है ऑलरेडी या नहीं, तो मैंने बोला कि यस, कि हाँ होटल बुक है, क्योंकि मैंने उनको वो दिखाई दिया था। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन उन्होंने पूछे, कोई ज़्यादा हार्ड तो नहीं था। बाकी इन्जॉय करो यार, आओ मलेशिया और एक्सप्लोर। ठीक है, बाकी थोड़ा और आपको एयरपोर्ट के बारे में दिखाता हूँ। ये अगर ये जो पीछे मेरे पीछे बेल्ट चल रही है, क्योंकि लगेज तो मेरा था नहीं, मेरे साथ ही था, तो वो उसको लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो चलते हैं, अभी एक्सप्लोर करते हैं मलेशिया। लेट्स हैव फन टुगेदर गाइस, थैंक यू सो मच।